हाय गाइस, हम मेरा यूट्यूब चैनल जो 2019 में चलना शुरू हुआ था, इस साल गणेश चतुर्थी पे अपने नए घर में श्री गणेश करने वाला है। तो गाइस, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी पे हम आपसे नए घर में मिलेंगे। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं दोबारा से सोना की सैर पे निकला हूँ, ठीक है। एक दो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को आज देना चाहता हूँ। मेरे पास पिछले 15-20 दिन में काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं फॉर प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 4 और 5, जहाँ पर कि आपको 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे के बजट में भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज गाइस, मैं आपको सेक्टर 4 और 5 की करंट लेटेस्ट अपडेट बताऊँगा कि क्या प्रोजेक्ट के प्राइसेस चल रहे हैं, किस में आपको क्या अवेलेबिलिटी मिल सकती है, क्या साइजेस हैं, ठीक है। और जो स्टिल प्लस 4 और 3 का कंफ्यूजन रहा है पिछले कुछ दिनों से, सेलर्स अलग मूड में चल रहे हैं, बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें गाइस मैं आज आपको क्लियर करके बताऊंगा, और विद अ क्लियर फोकस ऑन ऑल द प्रोजेक्ट इन सेक्टर 4 और 5। सो गाइज, लुक आउट फॉर टूडेज वीडियो। सो गाइस, अभी हम लोग सेक्टर 4 में पहुंच चुके हैं। यही वो आपकी रोड है जो आपकी सीधा सोना रोड की तरफ जा रही है और इधर आपकी दमदमा लेक की तरफ जा रही है, ठीक है। मेरे लेफ्ट में गाइस, ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभी टेम्प्रेरी एक्सेस है GLS अरावली सिटी का, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का भी OC अप्लाइड है। इसका मैंने आज तक अलग से वीडियो नहीं बनाया, मे बी नेक्स्ट टाइम इसका और सोना ग्रीन्स का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस हमारे पास अभी 2 प्लॉट अवेलेबल हैं स्टार्टिंग अबाउट 1 crore, जिसमें कि आपको मैक्सिमम चेक मिल सकता है, आप लोन भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। GLS इज़ अ वेरी ट्रस्टेड कंपनी, दिस इज़ गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू सेंट्रल पार्क जब भी फ्यूचर की 60 मीटर रोड बन जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो आपका प्रोजेक्ट है, आज की रेट में जितने भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे सेक्टर 4 और 5 में, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आज की रेट में आपको मिलेंगे अपवर्ड्स ऑफ 72,000 पर स्क्वायर यार्ड, 72,000 रुपये से लेके 85-90,000 तक के आपके यहाँ के प्राइसेज हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ। तो गाइज, ये आप पीछे ब्रांडिंग देख रहे हो, ये आपका है आयरियो प्राइड पार्क, ठीक है। प्राइड पार्क के बारे में मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे गाइज क्या है कि कंपनी ने जो प्लॉट लॉन्च करे थे, उसमें कंपनी ने पेमेंट प्लान जो ऑफर किया था, वो मेरे लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं था। 50-50 का पेमेंट प्लान है, डे वन आप 50% पैसा ले रहे हो, उसके अलावा क्या कहते हैं टोटल आपका रेशियो में और ज़्यादा पैसा चले जाता है, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको मे बी 120 गज से लेके 170 गज के बीच में चीज़ें मिल सकती हैं। प्राइस पॉइंट इसका भी GLS के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है कि आपको पेमेंट के लिए 1 से 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको 3-4 इन्वेंट्रीज ऑफर कर सकता हूँ। मेरे पास 125 गज का भी प्लॉट है, 135 गज का भी प्लॉट है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बड़े साइजेस के भी यहाँ पे प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है गाइज। उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो ये आप मेरे लेफ्ट में जो देख रहे हो गाइज, ये आपका प्रोजेक्ट है सोना ग्रीन्स। इसका भी मैंने अलग से रिव्यू नहीं किया, आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर गया था। कंप्लीशन होने के बाद काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट करी है अवनी ग्रुप, यहाँ का लोकल बिल्डर है। इन्होंने अब गोवा में भी एक नए ब्रांड नेम के साथ प्रॉपर्टी अपनी लॉन्च करी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मैं आपको बड़े साइज़ के प्लॉट 142 गज या उससे बड़े साइज़ के यहाँ पे मैं आपको प्लॉट ऑफर कर सकता हूँ। इसका भी OC अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप मोटा मोटा 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख के आसपास यहाँ पे आप इन्वेंट्री ले सकते हैं आज की डेट में। उसके अलावा इसके जस्ट पीछे गाइज प्रोजेक्ट है मेफेयर गोल्डन पार्क। गोल्डन पार्क के बारे में आप लोग जानते हैं, आई रियली लाइक दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में हमने क्या कहते हैं पहले डिटेल में उसको कवर भी किया हुआ है, लेकिन आज की डेट में गाइज वहाँ पे आपको जो इन्वेंट्री मिलती है वो इस एरिया के बाकी प्रोजेक्ट से 20% ज़्यादा रेट पे मिलती है, ठीक है। वहाँ पे मेरे पास 125 गज का प्लॉट अवेलेबल है, 140 गज के आसपास भी मैं आपको वहाँ पे इन्वेंट्री दे सकता हूँ, ठीक है। उसका भी सोना ग्रीन्स की तरह ऑलरेडी आपका OC अप्लाइड है। तो गाइज इस पूरे बेल्ट में सेक्टर 4 में अगर आप देखेंगे, इस पास में इसका मान लो सेक्टर 6 भी है, LID उसको भी मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो लोग मैक्सिमम चेक में प्लॉट ढूंढ रहे हैं उनको मैं दे सकता हूँ।
बाकी एडजस्टमेंट वालों के लिए तो खैर सारा गुड़गांव खुला हुआ है, कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं सेक्टर 5 और आपको सेक्टर 5 का करंट अपडेट देते हैं। तो गाइस अब हम लोग सेक्टर 5 पहुंच गए हैं। ठीक है, यहीं पे राइट में पीछे आगे जाके आपके यू नो जीएमएस के प्लॉट हैं। जीएमएस का प्रोजेक्ट भी तकरीबन 1.5 साल पहले आया था, एडवांस लेवल का काम वहां पे हो चुका है। ठीक है, मेरे को लगता है कि अभी 6-8 महीने लगेंगे वहां पे पोजेशन होने में, बट 80-90% पेमेंट बिल्डर वहां पे ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जीएमएस मेगा सिटी इज़ अ फोटो कॉपी ऑफ मेफेयर गोल्डन पार्क। मेफेयर में जो एमिनिटीज़ हैं वही जीएमएस ने वहाँ पे यू नो अपना सारी की सारी क्रिएट करने की या डेवलप करने की कोशिश करी है। वहाँ पे गाइस मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है विच इज़ कॉर्नर ईस्ट फेसिंग एंड पार्क फेसिंग, ब्यूटीफुल प्लॉट जो कि आप यू नो वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक वहाँ पे एक प्लॉट है जो कि आपका 133 गज का भी है। ठीक है, वो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। वहाँ पर गाइस आपको आज की डेट में जो सबसे वैल्यू फॉर मनी चीज़ मेरे को सेक्टर 4 और 5 में लगती है ना, ऑनेस्टली वो जीएमएस लगती है बिकॉज ऑफ एमिनिटीज़। आने वाले टाइम में एमिनिटीज़ की वजह से इसका और प्रोजेक्ट के मुकाबले में भी 10,000-15,000 पे रेट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप जीएमएस पे लेना चाहें आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस जीएमएस के साथ में यहाँ पे जो दूसरा प्रोजेक्ट है करोना ग्रीन्स, ठीक है, इसका भी मैंने 1-1.5 साल पहले काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इसका OC आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको आज की रेट में जो चीज़ें मिलेंगी मोस्टली रीसेल में ही मिलेंगी और मैक्सिमम आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र केस भी नहीं मिलेंगे, रजिस्ट्री केस मिलेंगे जिसमें सेलर को रजिस्ट्री करा के भी इन्हों बेचना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं आपको 2 प्लॉट ऑफ़र कर सकता हूँ 130-133 गज के आसपास के। यू नो मेरे पास यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है जो सेलर बेचना चाहते हैं। जिन लोगों को OC रिसीव प्रॉपर्टी चाहिए, जिनको इमीडिएट पोजेशन चाहिए, वो ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत बड़ा इसका जो कंपटीशन आ जाता है वो आ जाता है जो इसका अगला प्रोजेक्ट है पारस एकम, विच वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई कवर्ड। आप सब लोग जानते हैं मैंने काफ़ी डिटेल में पारस के बारे में भी बात करी हुई है। पारस में गाइज आज की डेट में यू नो आपको बहुत ही लिमिटेड सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, पारस में ज़्यादातर वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह पारस का भी रेट बढ़े, बिकॉज आज की डेट में ऑल इंक्लूसिव प्राइस में पारस एकम इज़ द चीपेस्ट प्लॉट दैट यू विल फाइंड इन सेक्टर 4 और 5। एक आधा प्लॉट मैं वहाँ पे आपको दे सकता हूँ, मे बी 128-130 गज के आसपास ई ब्लॉक में, शायद मेरे पास एक इन्वेंट्री है, आई नीड टू चेक, बट मोस्टली पारस में सेलर्स नहीं है। बट अनदर गुड थिंग अबाउट पारस इज दैट यू कैन गेट अ हायर चेक वैल्यू। अ लॉट ऑफ द सेलर्स आर कॉर्पोरेट सेलर्स हु आर विलिंग टू चेक यू नो अ हायर चेक वैल्यू इन द ट्रांजेक्शन। तो गाइज़ ये मेरा आपका यू नो ओवरऑल व्यू हो गया सेक्टर 5 का। ठीक है, तो गाइज अब मैं आपको वापसी में ऑन द वे ड्राइव करते हुए एक अपना ओवरऑल सिनेप्सिस यू नो आपको मैं सेक्टर 4 और 5 की मार्केट का देता हूँ। हाँ, सो गाइज नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू गुड़गांव फ्रॉम आर विजिट। तो सेक्टर 4 और 5 की मार्केट गाइज जिसके बारे में यू नो आपने मेरे पिछले 3-4 साल में बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, उसका मैं आज आपके लिए यू नो ओवरऑल रिव्यू लेके आया था, अपडेटेड रिव्यू। और मेरे को लगता है गाइस कि ना जो भी लोग 80-90 लाख 1 करोड़ के बजट में जो लोग भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं और वो फैन सिटर हैं और वो वेट कर रहे हैं कि अभी प्लॉट के रेट कम होंगे, तो सर आप एक बात समझिएगा, जिस शहर में 1.5-2 करोड़ में रहने को अपने लिए लोगों को यू नो प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, मतलब अपने लिए रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको 1 करोड़ से नीचे प्लॉट मिल रहा है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें प्राइस में अभी करेक्शन आएगा, तो आई थिंक मे बी यू माइट बी यू नो हेडेड टूवर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट। और वैसे भी स्टिल प्लस 4 की न्यूज़ होल्ड होने के बाद ना जो लोग हैं सेलर हैं वो रुक गए हैं, बिकॉज लोगों के पास ना डीप पॉकेट्स है, कोई पैनिक नहीं करता गुड़गांव में, और खासकर 1 करोड़ के नीचे की प्रॉपर्टी में तो खासकर नहीं लोग पैनिक करते। एक आधा कोई केस आ जाए तो अलग बात है, बट यू नो दिस माइट बी योर लास्ट चांस। यू नो 1 साल बाद अगर आप में से कोई मेरे को बोलेगा जी मेरे को सेक्टर 4 और 5 में 80 लाख में 85 लाख में जी प्लॉट दिला दो, मेरे को 1 करोड़ में 150 गज का प्लॉट दिला दो, तो यू नो मे बी मैं आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि यू नो 4 और 5 में अभी मेरे पास स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कोई 85-90 लाख से चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फुल प्लॉट मतलब फुल चेक में भी मेरे पास चीज़ें हैं और क्या कहते हैं ना नियर पोजिशन भी हैं, 2 साल के पेमेंट प्लान वाली भी हैं और इमीडिएट रजिस्ट्री वाली भी चीज़ें हैं। तो
तो यू नो दिस वाज माय अटेम्प्ट एट गिविंग यू अपडेट अबाउट यू नो आफ्टर सेल प्लस फोर कन्फ्यूजन जो मार्केट में चल रही है. तो गाइज आप अगर देख रहे हैं प्लॉट इस एरिया में तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा. और दूसरा गाइज वी आर डूइंग सम चेंजेस इन आर यूट्यूब चैनल. जो पिछले हफ्ते मेरे को एक लिस्टेड कंपनी ने नोटिस भेजा था उसके बाद मैं कुछ दिन तक काफ़ी डिसअपॉइंटेड था. आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड यू नो आई वाज मतलब नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग. बट देन आई थॉट कि मे बी दिस इज शुड बी एन एम्पिटस फॉर मी टू वर्क इवन यू नो मोर स्ट्रांगली एंड ऑब्वियसली मोर इंटेलिजेंटली बट कीप ब्रिंगिंग यू नो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. तो उसी को टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल यू नो इस गणेश चतुर्थी पे मतलब शुभ दिन हम एक नई शुरुआत करेंगे अपने YouTube चैनल की जिसके बारे में आपको आने वाले दिनों में यू नो अपडेट मिलते रहेंगे. तो गाइज आई सी यू अगेन वेरी सून. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन आर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल. बाय फॉर नाउ.